ओके, अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास जो है वो क्या होती है। तो साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास सिंपली होता है कि वे टू राइट। अब हमारे पास लार्ज नंबर्स जब आ जाते हैं ना, उनको हम किस तरह हैंडल करते हैं, उन इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि नंबर को 10 की पावर में लिखने के अमल को हमारे पास जो है वो क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। अब इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब ये 1 एंड 10 नंबर मतलब क्या है कि हमारे पास जिस तरह ये पॉइंट, ये अब मेरे पास ये इस तरह लिख लें 0 0 ये है। अब इसको मैं ये इसके पॉइंट नहीं आ रहा ना, इसका मतलब पॉइंट एंड पे है, तो 1 2 3। अभी देखें 6.4 मल्टीप्लाई क्या हो गया हमारे पास, 10 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम देखें, अभी 1 to 10 का मतलब ये है कि ये जो नंबर है ना इशारे से पहले वो हमारे पास 1 से 9 के दरमियान में होगा। अच्छा, अब हमारे पास जो एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर, ये हमारे पास नंबर है और इसको हम लिखना चाह रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन में। क्या नंबर है हमारे पास, अगर इस नंबर को मैं लिखूं इधर, तो है मेरे पास 6 2 7 5 और 0। अब इसमें इशारिया नहीं आ रहा, तो इसका क्या मतलब है कि जो इसका पॉइंट है वो किधर होगा, इस एंड पे होगा। अब देखें, हमने इशारे से पहले, हमारे पास इशारे से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। किस तरह, अब देखें, अब इशारे से पहले तो 1 2 3 4 5 नंबर आ रहे हैं ना, तो एक इशारे शिफ्ट किया 2 3 और ये 4, तो ये क्या होगा 6 पॉइंट हम लगाएंगे, और हमारे पास क्या होगा 2 7 5 0। लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 रेज टू द पावर। देखें, अब अगर पॉइंट हमारा इधर शिफ्ट होगा ना, तो 10 की पावर प्लस होगी, जितना शिफ्ट हुआ उतनी पावर होगी, 1 2 3 और ये 4, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4 हो जाएगी। अच्छा, अब जब इधर शिफ्ट करना है तो 10 की पावर प्लस होगी, ये चीज़ हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। दूसरी जो चीज़ हम याद रखेंगे वो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास, इसको इधर देखते हैं कि अगर मेरे पास ये नंबर दिया है 0, नंबर को अगर मैं लेता हूँ 0.0000 और ये 6 दिया है, और पॉइंट से पहले तो हमारे पास नॉन जीरो नंबर होना चाहिए ना, और वो भी 1, लेकिन ये सारे 0 आ रहे हैं। पॉइंट 1 शिफ्ट किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया और ये 6 किया, तो ये पॉइंट इधर आया 6.0 आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई। अब देखिए, हमने इसको 6 दर्जे इधर किया था ना, तो 10 की पावर, अब हमने देखा था इसमें कि ये इधर जाएगा तो पावर प्लस होगी, और अगर पॉइंट इधर जाएगा तो पावर हमारे पास क्या होगी, माइनस, तो ये 10 रेज की पावर माइनस कितना आ गया, 6, ये इसका क्या होगा हमारे पास आंसर होगा। तो ये था हमारे पास जो टॉपिक किसके रिलेटेड के, जो हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन है वो हमारे पास क्या होती है।